हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैंने पिक की हैं आप लोगों के लिए बुलबुल की ऐप से कुछ अफोर्डेबल फेस्टिवल आउटफिट्स, क्योंकि हम कर रहे हैं फेस्टिवल सीरीज और बैक टू बैक आप देखने वाले हैं 9 फेस्टिवल वीडियोस। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी फेस्टिवल शॉपिंग पर। तो फर्स्ट आउटफिट जिसे मैंने पिक किया है बुलबुल की ऐप से, उसे मैंने पहना हुआ है आपके सामने इंट्रो में। ये है एक फ्यूशा पिंक कलर की सिंगल कुर्ता, ड्रेस भी आप इसे कह सकते हैं, और आप इसे पजामी के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसे सिंगल एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल किया है एथनिक स्टाइल में अपने क्रीम प्लाजो के साथ। आप इसको पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, और इस कट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सारे बॉडी शेप के ऊपर अच्छा ही लगता है। फैब्रिक इसका कॉटन रेयन है, और योक के ऊपर हल्की हल्की महीन मशीन की एम्ब्रॉयडरी हुई है येलो एंड ग्रीन कलर से। और नेक्स्ट आउटफिट है ये रेड कलर का रेयन का शरारा सेट। इसमें आपको एक योक स्टाइल का शॉर्ट कुर्ता मिलता है, साथ में मिलता है एक काफी फ्लेयर्ड शरारा, और साथ में आपको एक इसी सेम मटेरियल का दुपट्टा जो है वो मिलता है। इस कुर्ता सेट में बॉटम पर जो डिटेलिंग है वो गोल्डन कलर से की गई है। मटेरियल जो इसका है वो है कॉटन रेयन, और ये काफी ब्लड रेड कलर का जो है शरारा सेट है, और ये काफी डार्क कलर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको सेपरेटली वॉश करें, क्योंकि जो भी ऐसे ब्राइट कलर्स होते हैं खासकर रेड और ब्लू, वो जरूर ब्लीड करते हैं। तो आपको इसको वॉश करते वक्त स्पेशल अटेंशन देनी है। शरारे की जो वेस्ट है वो इलास्टिक की बनी हुई है, आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक है, और काफी खुला डुला शरारा है, तो काफी कंफर्टेबल रहेगा आपको ये पहनने में। इस शरारा सेट के साथ आपको ये स्टोल मिलता है जिसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसकी जो डिटेलिंग की गई है वो भी गोल्डन कलर के गोटा और इस तरीके की टैसल्स जो हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं इसके किनारे पर। आप इस शरारा सेट को विदाउट स्टोल भी पहन सकते हैं, और मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल किया है अपनी कुंदन चोकर के साथ, और साथ में मैंने पहनी है अपनी एक स्टेटमेंट कुंदन रिंग। लुक काफी परफेक्ट है आगे आने वाले करवा चौथ और दिवाली पार्टीज के लिए। सारे आउटफिट की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, और वहां पर मैंने आपको दिया है एक अपना लिंक जिस पर क्लिक करते ही इस वीडियो की सारी कलेक्शन और जितने मेरे प्रीवियस वीडियो हैं जो मैंने बुलबुल के लिए किए हैं उनकी सारी कलेक्शन आपको वहां देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको साथ में दिया है एक व्हाट्सएप लिंक भी जिस पर आप क्लिक करके इन आउटफिट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी शॉपिंग कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं व्हाट्सएप की चैट पर। और नेक्स्ट आउटफिट है ये वाइन कलर का कप्तान सेट, और कप्तान आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और बुलबुल पर अभी आपको ये कप्तान सेट बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। मैं सारी आउटफिट्स के प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और आप बुलबुल की ऐप पर जाकर भी चेक कर सकते हैं इन सारी आउटफिट्स के प्राइजेस को। ये वाइन कलर का कप्तान सेट है पॉली क्रेप फैब्रिक में, तो जो फॉल है इसका काफी ज्यादा अच्छा आएगा आपकी बॉडी पर, और छोटी बूटियां बनी हुई हैं पूरे कुर्ते के ऊपर। कलर काफी रिच है फेस्टिवल सीजन के लिए, तो आप इसे किसी भी फॉर्मल इवेंट पर पहन सकते हो, और ये जो फैब्रिक है पॉलीक्रेप ये आगे आने वाले सीजन के लिए काफी अच्छा रहता है जब हम गर्मियों से बढ़ते हैं सर्दी की तरफ। और जो ट्राउजर दी है कप्तान के साथ उसमें आगे बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है, काफी खुली ढुली ये ट्राउजर है। पूरी पैंट्स के ऊपर छोटी छोटी बूटीज का डिजाइन बना हुआ है, और आप इन पैंट्स को कंबाइन कर सकते हो अपनी किसी शर्ट के भी साथ। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ये बूटियां बनी हुई है ये पूरी टॉप टू बॉटम बनी हुई है, तो आप इस पैंट्स को इंडिविजुअली भी जो है यूज कर सकते हो अपने वेस्टर्न वेयर के साथ। मैंने इस कप्तान सेट को स्टाइल किया है अपनी गोल्ड फुटवेयर और गोल्ड क्लच के साथ। मैंने यहाँ पे इस सेट को ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए पहना है हाथ में हथफूल, और साथ में मैंने पहने हैं अपने गोल्ड लूप्स। मैंने बुलबुल की ऐप का लिंक भी दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और आपको वहाँ पे जो मेरे रिकमेंडेड आउटफिट्स हैं वो भी मिल जाएंगे जो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाते हैं।
एक्सचेंज और रिटर्न बहुत इजी है और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। और नेक्स्ट आउटफिट है ये येलो कलर का सिंगल कुर्ता, जिसके योक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है मिरर वर्क हुआ हुआ है, जो इसको काफ़ी हैवी लुक देता है। और जो फैब्रिक है इसका वो है कॉटन रेयन, और इसके साइड में भी टैसल्स की डिटेलिंग है यहाँ पर, और जो घेरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और घेरे पर भी गोटा लगा हुआ है, और स्लीव्स इसकी 3/4 हैं। कलर काफ़ी ब्राइट है और अभी हमें ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में भी मिल रहा है बुलबुल की ऐप पर। इस कुर्ता को मैंने स्टाइल किया है जंक ज्वेलरी के साथ, मैंने अपने स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं, साथ में मैंने कुछ बैंगल्स को कंबाइन किया है जो कि मेरी रीसेंट परचेज है इस फेस्टिवल सीजन के लिए। मैंने इस कुर्ते को और फॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पर एक सिल्वर बेल्ट भी पहनी है जिसके ऊपर मिरर वर्क है, और मैंने इस लुक को कम्प्लीट किया है अपने वुडन क्लच के साथ। ये लुक इतना ब्राइट है कि आप इसे आगे आने वाली दिवाली पार्टीज में भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आउटफिट है ये ब्लू अनारकली, जो कि है कलमकारी प्रिंट में, और बिलीव मी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे कॉटन फैब्रिक में ये है। जो डिटेलिंग है इस कुर्ते के ऊपर, उसमें नेक पर यहाँ पर फैब्रिक के बटन्स लगे हुए हैं, लेकिन बॉटम के ऊपर बहुत ही जो है ब्रॉड यहाँ पर गोटा लगा हुआ है, और जो इसको एक फॉर्मल लुक दे देता है। और जो घेरा है इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा घेरा है, घेरे के एंड पर भी किनारी लगी हुई है गोटा की, और काफी अच्छा घेरा है। और ये 3 पीस में आता है, इसके साथ आती है ट्राउजर और साथ में आता है दुपट्टा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बुलबुल से कुछ कलमकारी अनारकलीज भी पिक करूं आपके लिए, तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुर्ते की स्लीव्स के ऊपर भी गोल्ड गोटा की डिटेलिंग है, और यही डिटेलिंग इसको एक फॉर्मल लुक देती है। और इस अनारकली के साथ आती है ये सॉलिड ब्लू कलर की पैंट्स, जिसका कि फैब्रिक कॉटन रेयन है, और जो अनारकली है उसका फैब्रिक जो है प्योर कॉटन है, और इलास्टिक है ऊपर आगे पीछे पैंट्स में, काफ़ी कंफर्टेबल सा पैंट्स है। और जो बॉटम है इस पैंट्स का वो 6 इंचज के करीब होगा, लाइक आपको ये पैंट स्टाइल में आएगा, प्लाजो की तरह नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा खुला। और अनारकली के साथ ऐसी ही पैंट्स होती हैं जो अच्छी लगती हैं। और इसके साथ आता है ये कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा, और ये मलमल कॉटन का दुपट्टा है, काफ़ी जो सॉफ्ट वाला कॉटन होता है वैसा दुपट्टा है, और काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ और विथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने इस कुर्ता सेट को स्टाइल किया है अपनी रस्टेड गोल्ड ज्वेलरी के साथ, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं, साथ में गोल्ड ही बैंगल्स पहनी है। मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है अपनी क्रीम ट्रेडिशनल स्लिपर्स के साथ, और साथ में लिया है मैंने अपना क्रीम कलर का एथनिक क्लच। और नेक्स्ट आउटफिट है ये सिंगल फ्यूशिया कुर्ता, फैब्रिक है इसका वो है सेमी रॉ सिल्क, आगे आने वाले वेदर के लिए काफी अच्छा फैब्रिक है। डिटेलिंग जो इस कुर्ता के ऊपर है, योक के ऊपर इस पर प्रिंट है फॉयल से, जिसमें ब्लू एंड गोल्ड कलर का प्रिंट दिया गया है, और ये ही प्रिंटिंग इसे एक फॉर्मल लुक देती है। घेरा जो है काफी अच्छा घेरा है, और घेरे के ऊपर भी जो है बॉर्डर लगा हुआ है फॉयल प्रिंटिंग का। कलीदार ये कुर्ता है, कलियों में बना हुआ है, तो आपको ये ए लाइन में आएगा। अंगरखा स्टाइल में ये कुर्ता बना हुआ है, और जो नेक है इसका उसके ऊपर भी गोल्डन डोरी की डिटेलिंग है, और यहाँ पर साइड में टैसल्स भी हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं साइड में जब ये आते हैं कुर्ते के ऊपर। मैंने इस कुर्ता को पहना है ब्लू अनारकली की ट्राउजर के साथ, और मैंने साथ में पहनी है अपनी गोल्ड ज्वेलरी, और लुक को कम्प्लीट किया है मैंने अपनी गोल्ड हील्स एंड गोल्ड क्लच के साथ। और नेक्स्ट कुर्ता पिक किया है मैंने बुलबुल से ये टील कलर का कॉटन का सिंगल कुर्ता, और इसकी खास बात ये है कि जो बूटीज इसके ऊपर बनी हुई हैं वो बनी हुई है फॉयल प्रिंटिंग से, और फैब्रिक इसका है प्योर कॉटन, 3/4 स्लीव्स हैं, योक वाला ये कुर्ता है, आप इसे इंडिविजुअली भी पहन सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर पेयर अप किया है अपने क्रीम कलर के शरारा के साथ। जब भी आप इस किस्म के फॉयल प्रिंट के कुर्ताज को परचेज करते हैं, आपको हमेशा उन्हें सेपरेटली वॉश करना है, और आयरन करते वक्त हमेशा उन्हें रिवर्स साइड से आयरन कीजिए, जिससे उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहे। कुर्ता में योक के ऊपर जो डिटेलिंग है वो बटन्स की डिटेलिंग है, फैब्रिक के बटन्स की डिटेलिंग है। जो इस किस्म के योक वाला कुर्ताज होते हैं वो मेरी जैसे पिया शेप बॉडी वालों के लिए एक ब्लेसिंग होते हैं, उसमें आप हमेशा स्लिमर एंड टॉलर लगते हैं।
घेरा भी काफ़ी अच्छा है इस कुर्ता का, ना तो बहुत ज़्यादा घेरा है और ना ही बहुत कम है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट घेरा है। और इस घेरे में थोड़ा वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैंने इसको पैरअप किया हुआ है अपने क्रीम कलर के शरारा के साथ। आप इस शरारा के बारे में काफ़ी बार पूछते हैं, पर यह शरारा मेरे एक ऑर्डिनरी कुर्ता सेट के साथ आया था। लॉन्ग टाइम बैक मैंने इसे खरीदा था एक लोकल मार्केट में। इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है अपने गोल्ड क्लच के साथ और साथ में मैंने पहने हैं अपने स्टेटमेंट गोल्डन इयररिंग्स। आई होप आपको ये सारी आउटफिट्स अच्छी लगी होंगी और आपने कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन ली होगी इन आउटफिट्स के साथ। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।